दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा गीतांजलि सॉन्ग फर्स्ट, जिसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि गीतांजलि कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स है, जिसे 1910 में पब्लिश करवाया गया और 1913 में इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज भी मिला था। अब हम लोग सॉन्ग फर्स्ट के टेक्स्ट पर नजर डालते हैं। तो ये है हमारा सॉन्ग फर्स्ट का टेक्स्ट। इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और समझाऊंगा कि क्या कहना चाह रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर इसमें। लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि जन्म लेना और मृत्यु, ये सिलसिला तो चलता ही रहता है जब तक मनुष्य को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। अब ये लाइन मैंने क्यों कही, ये हम जब इस सॉन्ग को शुरू करेंगे तो समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। Thou hast made me endless, तुमने मुझे एंडलेस बनाया, तुमने मुझे अनंत बनाया। ये हमारा पोएट गॉड से कह रहा है कि तुमने मुझे अनंत बनाया। गॉड, तुमने मुझे अनंत बनाया। सच इज द प्लेजर, ये तुम्हारी ग्रेटनेस है, ये तुम्हारे लिए एक प्लेजर जैसा है। दिस फ्रेयल वेसल दाउ एम्प्टीएस्ट अगेन एंड अगेन, यहां पे वेसल का मतलब एक बर्तन होता है और फ्रेयल मतलब कमजोर। तो यहां पे पोएट खुद को एक कमजोर बर्तन से कंपेयर कर रहा है जो बार बार खाली हो जाता है। Emptiest again and again। आगे बोलता है, and finest it ever with fresh life, और तुम इसे हमेशा एक नई जिंदगी से भर देते हो। आई होप यहां तक दो लाइनों का मतलब क्लियर है। Thou hast made me endless, तुमने मुझे एंडलेस बनाया, ये तुम्हारा प्लेजर है। सच इज दाई प्लेजर। दिस फ्रेयल वेसल thou emptiest again and again, ये कमजोर बर्तन जो बार बार खाली हो जाता है। एंड finest it ever with fresh life, और इसे तुम हमेशा एक नई जिंदगी से भर देते हो। आगे बोलता है, दिस लिटिल फ्लूट ऑफ रीड दाउ हैस्ट कैरीड ओवर द हिल्स एंड डेल्स, और ये तुम्हारे लिए एक फ्लूट की तरह है, एक बांसुरी की तरह है, बांस की फ्लूट ऑफ रीड, जिसे तुम कैरी करके लाए हो या फिर लाए हो हिल्स और डेल्स पे, पहाड़ियों और घाटियों पर। मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए एक फ्लूट की तरह है, बांसुरी की तरह है, जिसे तुम कैरी करके लाए हो ओवर द हिल्स एंड डेल्स, एंड हैस्ट ब्रीथ थ्रू इट मेलोडियस एटर्नली न्यू, और तुमने इस बांसुरी को बजा करके एक तरह से इसमें जान डाल दी, इसमें मेलोडियस सांसें भर दी, विच इज एटर्नली न्यू। आगे लिखते हैं पोएट, एट द इमॉर्टल टच ऑफ द हैंड्स, तुम्हारे हाथों का इमॉर्टल टच, जिन इमॉर्टल हाथों से तुमने मुझे टच किया है, My little heart loses its limits in joy, मेरे हृदय ने अपनी लिमिट्स खो दी, and gives birth to utterance ineffable, और मैं इसे एक तरह से जाहिर नहीं कर सकता। Ineffable का मतलब होता है जिसे कहा नहीं जा सकता। The infinite gifts come to me only on these very small hands of mine, यहां पे infinite मतलब है अनगिनत, अनगिनत तोहफे। तुम्हारे अनगिनत तोहफे जो तुमने मुझे दिए, वो मैंने रिसीव किए अपने इन छोटे छोटे हाथों में। एजेस पास, सदियां बीती, एंड स्टिल दाउ पावरेस, और तुम अभी भी दाता हो, अभी भी दे रहे हो। पावरेस का मतलब होता है उड़ेलना। एंड स्टिल देयर इज रूम टू फिल, और अभी भी यहां पे पूरा कमरा पड़ा है भरने को।